So, hello my dear students, today we are going to learn about electron spin resonance spectroscopy, that is ESR, abbreviation ESR. This spectroscopy is also known as electron paramagnetic resonance spectroscopy, EPR. Other name is EPR. Electron paramagnetic resonance spectroscopy. This name is because, you know why this name is? Because this spectroscopy can only be used, for those compounds which are paramagnetic in nature. जिनमें paramagnetic कौन होते हैं? जिनमें unpaired electrons present हों. ठीक है? ऐसे जितने भी स्पीसीज होंगे उन सब में आप इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, यू नो वेरी वेल क्या फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना. इसके अलावा आप जानते हैं इनऑर्गेनिक मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें कुछ पैरामैग्नेटिक जो होते हैं, कुछ तो डायमैग्नेटिक होते हैं, लेकिन कुछ जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होते हैं या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना, होते हैं नहीं, एक से ज़्यादा ही होते हैं, ज़्यादातर में कॉम्प्लेक्सेस के लिए कर सकते हैं. इसके अलावा बहुत सारे और स्कोप्स हैं. इसके अलावा इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ऑल्सो नोन एज EMR, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. Now, ESR is just similar spectral technique as that of NMR, nuclear magnetic resonance. यहाँ क्या था? NMR. यहाँ क्या हो गया? EMR. Why this is similar? But with some differences. What are differences? First of all, we will understand. है क्या? आपका जो न्यूक्लियस होता है वो स्पिन करता है, उसकी स्पिन की वजह से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और वो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है वो आई इज नॉट जीरो हो तब हम एनएमआर करते हैं. ठीक है? यहाँ इलेक्ट्रॉन का अपना एक आई तो 1/2 होता ही होता है, स्पिन क्वांटम नंबर आई 1/2 होता है, लेकिन वो पेयर्ड और अनपेयर्ड वाली स्कीम है. यहाँ पेयर्ड होगा या अनपेयर्ड होगा. अगर पेयर्ड होगा तो कोई रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट उसमें नहीं आएगा, ठीक, तो हम ESR नहीं कर सकते. लेकिन अनपेयर्ड हैं तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन्स हैं वो आप उनको नॉन डीजनरेट बनाएंगे. पहले क्या बनाएंगे? नॉन डीजनरेट. नॉर्मली अगर किसी मॉलिक्यूल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं, ये हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन, तो एक एग्जांपल मैं लेके चलता हूं. कोई एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो उसकी जो स्पिन हो सकती है वो इस वे में भी हो सकती है या इस वे में भी हो सकती है. ये दोनों पेयरिंग नहीं दिखा रहा हूं मैं, उसकी स्पिन क्या हो सकती है ये मैं दिखा रहा हूं. उसकी स्पिन ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं? प्लस माइनस 1/2 हो सकती है. एंड प्लस माइनस 1/2 स्पिन स्टेट्स ऑफ दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर डीजनरेट, आर व्हाट? डीजनरेट होंगी. ठीक है? वो आपस में उनकी जो डीजनरेसी जो होगी वो, हालांकि ये पूरी तरह सच नहीं है, इसमें एक और चीज आती है, उसको कहते हैं हम जीरो फील्ड स्प्लिटिंग. क्या कहते हैं? जीरो फील्ड स्प्लिटिंग. वो कब आती है उसको हम आगे बात करेंगे. ठीक है? जब हम आगे बढ़ेंगे, जब एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तब जीरो फील्ड स्प्लिटिंग की बात आती है, तो उसकी हम आगे बात करने वाले हैं. ठीक है? एक से ज़्यादा अनपेयर्ड में आती है, लेकिन अगर एक ही है तो ये इसमें हमारी बातें अभी आगे बहुत सारी आएंगी. लेकिन जनरली हम बात करें तो जो दो स्पिन स्टेट्स हैं
नॉर्मली ये डीजनरेट होती हैं. दीज आर व्हाट डीजनरेट स्टेट्स. ठीक. व्हेन वी कीप दिस इलेक्ट्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में इसको हमने रख दिया. लेट मी से द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज बी. बी इज व्हाट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में ये स्पिन जो है दो स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, एक लोअर और एक हायर. एक लोअर एक हायर. मैं यहां क्या दिखाना चाह रहा हूं, ये बी इधर को बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग. कम था तो गैप कम होगा, ज्यादा हो गया तो गैप ज्यादा हो जाएगा. कम था तो गैप कम हो गया, ज्यादा हो जाएगा तो गैप ज्यादा हो जाएगा. होगा. तो ये जो स्पिन स्टेट्स हैं, मान लीजिए ये माइनस वन बाई टू स्पिन स्टेट है, ये प्लस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू एंड प्लस वन बाई टू. दीज नाउ आर बिकमिंग नॉन डीजनरेट. दीज आर नाउ दीज आर डीजनरेट, दीज आर नॉन डीजनरेट. और कभी भी किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी को करने के लिए हमें दो स्टेट्स चाहिए, एक लोअर स्टेट एक हायर स्टेट. एंड इससे इसमें जो ट्रांजिशन होगा, इससे इसमें जो ट्रांजिशन होगा उसी को हम नोटिस करेंगे, उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे. दैट विल बी व्हाट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. मींस ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर स्पिन स्टेट टू हायर स्पिन स्टेट अंडर द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. नाउ व्हाट वी डू, व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम. अब ये बेसिक बात हो गई, इतनी बात समझ गया. बेसिक बात क्या हो गई कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉर्मली उसकी स्पिन स्टेट डीजनरेट थी, जब मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो वो क्या हो गई नॉन डीजनरेट. इन नॉन डीजनरेट स्पिन स्टेट्स में जो हम फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे इनको एक्साइट करने के लिए लोअर स्टेट से हायर स्टेट में, कब वो एक्साइट कब होंगे, जब इसमें क्या होगा रेजोनेंस होगा. क्या होगा रेजोनेंस होगा. रेजोनेंस क्या होगा, जब इस आपके रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इनकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी के गैप की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी तो क्या हो जाएगा रेजोनेंस हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में फ्लिप हो जाएगा. मतलब लोअर स्टेट और हायर स्टेट का मतलब क्या है, ये अगर क्लॉकवाइज स्पिन थी तो ये क्या होगी एंटी. मतलब ओवरऑल ये रेडिएशन इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को फ्लिप कर देगा. इलेक्ट्रॉन जो ऐसे रोटेट कर रहा था वो उल्टे रोटेट करने लग जाएगा. राइट. तो ऐसे कर रहा था तो उसकी एनर्जी लोअर थी, उल्टे करेगा तो उसकी एनर्जी हायर हो जाएगी. डिड यू गॉट द पॉइंट. दिस इज इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक. कोई दिक्कत है इसमें. और ये अब यहाँ पे हम रेडिएशन क्या यूज कर सकते करते हैं, ESR और NMR में डिफरेंस क्या है. NMR होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी में आप जानते हैं, लेकिन ESR किसमें होती है माइक्रोवेव रीजन में. क्यों होती है आप जानते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी लोएस्ट एनर्जी है. हाँ, रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी क्या है लोएस्ट होती है नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में. उससे ज्यादा एनर्जी का रेडिएशन कौन है माइक्रोवेव है ना, और उससे ज्यादा IR. तो जो लोअर और हायर स्टेट्स में नॉर्मल जो गैप होता है किसमें इलेक्ट्रॉन के केस में, वो जो है वो माइक्रोवेव में ज्यादा क्लियर सिग्नल्स देता है ना कि रेडियो फ्रिक्वेंसी में. तो इसलिए इसको माइक्रोवेव रीजन में किया जाता है, पहली चीज. दूसरी चीज, हम NMR में क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल को जब स्पेक्ट्रा ले रहे होते हैं तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, हाई मैग्नेटिक फील्ड में, और रेडियो फ्रिक्वेंसी को वेरी करते हैं. रेडियो फ्रिक्वेंसी लो से हाई, CW NMR पढ़ाया ना, रेडियो फ्रिक्वेंसी को चेंज करते हैं कि आपका जो एनर्जी गैप बन गया है वो बन गया. ठीक है, अब आप अलग अलग रेडियो फ्रिक्वेंसी डालेंगे और देखेंगे कि कौन सी रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब हो रही है. लेकिन ESR में ऐसा नहीं करते. ESR में हम जो माइक्रोवेव रेडिएशन यूज करते हैं वो यूज करते हैं कॉन्स्टेंट, मतलब एक ही माइक्रोवेव रेडिएशन आपने दे रखा है. ठीक,
लेकिन क्या चेंज करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड. मतलब क्या है कि माइक्रोवेव रेडिएशन आपने कांस्टेंट कर रखा है, ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने पे क्या होगा? ये गैप बदलेगा भाई, कम से ज्यादा. इसलिए इसमें ऐसे बनाया है, जब ये गैप इस माइक्रोवेव के बराबर हो जाएगा तब ये अब्सॉर्ब कर जाएगा. किसी ना किसी समय ये गैप कम से ज्यादा होते जा रहा है. जिस समय इसका गैप, लोअर और एक्साइटेड स्टेट का गैप, माइक्रोवेव की एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, उस समय क्या मिलेगा आपको? एक सिग्नल. क्या आप बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं. तो ये थोड़े डिफरेंसेस हमने क्रिएट करने थे, समझने थे कि माइक्रोवेव रेडिएशन 9500 मेगाहर्ट्ज पर नॉर्मली ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाती है. माइक्रोवेव रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं वो 9500 मेगाहर्ट्ज पे हम इंस्ट्रूमेंट को नॉर्मली, ये ऊपर नीचे भी करते हैं लेकिन नॉर्मल केसेस में हम 9500 मेगाहर्ट्ज पर जो है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, ठीक है. जैसे उसमें 100 मेगाहर्ट्ज, 600 मेगाहर्ट्ज फिक्स होता है ना कहीं इंस्ट्रूमेंट का, क्या होता है वो? मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होता है ना. वहाँ क्या हम मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर देते हैं, यहाँ हम क्या फिक्स करते हैं? माइक्रोवेव रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी. और ये मैग्नेटिक फील्ड को लो से हाई की तरफ बढ़ाते जाते हैं. लो से हाई की तरफ जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, जब ये गैप, जिस भी समय ये गैप इस एनर्जी के इक्वल होगा, फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा, उस समय आपका रेजोनेंस हो जाएगा और आपका सिग्नल मिलेगा. क्या आप समझ गए? मीन्स हियर वी कीप माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट व्हाइल वी वेरी व्हाट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, बट इन केस ऑफ NMR इट इज रिवर्स, उल्टा है. कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हम रखते हैं और वेरी क्या करते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी, राइट. कोई दिक्कत नहीं. नाउ इसके लिखेगा यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं हम, यूजेस किस किस में होते हैं, यूजेस लिख लीजिए. लेकिन एक चीज और भी याद रखनी है, वो क्या? कि इन केस ऑफ ESR समटाइम्स रेडियो फ्रिक्वेंसी इज ऑल्सो यूज. ऐसा नहीं कि रेडियो फ्रिक्वेंसी को हम यूज ही नहीं करते हैं. इन सम केसेज वी ऑल्सो यूज रेडियो फ्रिक्वेंसी, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेज वी यूज वॉट? माइक्रोवेव. क्या ये बता दूँ? पक्का? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना. अब इसके यूजेज हम कहाँ कहाँ करते हैं, एक तो मैंने बताया. ESR किस में यूज होती है बेटा? ESR यूज होती है ऐसे, यूज फॉर विच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स की हम बात करें या विच काइंड ऑफ स्पीसीज की बात करें. यूज फॉर स्पीसीज लाइक, लिखेगा, एटम्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट नोट डाउन, फ्री रेडिकल्स. नेक्स्ट नोट डाउन, आपने फोटोकेमिस्ट्री पढ़ी है? फोटोकेमिस्ट्री पढ़ी है ना, तो फोटोकेमिस्ट्री में भी कई जगह आता है सिंगलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट, है ना. तो सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट में फर्क क्या होता है बेटा? सिंगलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पेयर्ड. और ट्रिपलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अनपेयर्ड. तो ट्रिपलेट स्टेट कैसी है? अनपेयर्ड वाली ना. तो फोटोकेमिस्ट्री में जहां भी ट्रिपलेट स्टेट होगी, दैट कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ व्हाट? ESR, ठीक है. तो लिखेगा ट्रिपलेट स्टेट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट क्या है, एक चीज आपको बताऊं, आपने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी. मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है उसकी खासियत क्या होती है? मॉलिक्यूलर आयन पीक क्या की खासियत क्या होती है? उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक इलेक्ट्रॉन आप निकालते हैं ना और एक प्लस और एक बिंदा बनाते हैं आप फ्रेगमेंट आयन्स पे. जितने भी फ्रेगमेंट आयन्स होते हैं उसमें क्या बनाते हैं? एक प्लस और साथ में एक इलेक्ट्रॉन बनाते हैं. तो दे ऑल आर पैरामैग्नेटिक स्पीसीज. सो मास फ्रेगमेंट्स कैन ऑल्सो बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ व्हाट? ESR. मास फ्रेगमेंट्स भी आप स्टडी कर सकते हैं ESR से. इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैविंग अनपेयर्ड
electrons, complex compounds having unpaired electrons. इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी भी बात करते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स. रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पूरी ESR से उन्हीं इंटरमीडिएट्स को आप स्टडी कर सकते हैं जिनका लाइफ टाइम एटलीस्ट 10^-6 सेकेंड से ज़्यादा हो. मीन्स ओनली दोज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कैन बी स्टडीड विच हैव लाइफ टाइम मोर देन 10^-6 सेकेंड्स. नोट डाउन, वे वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है. लिख लिया? अब हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ESR. अब हम बात करते हैं बेटा बेसिक प्रिंसिपल की. जनरल बात तो हमने कर ली, लेकिन थोड़ा सा हमें इस बात को आगे बढ़ाने की जरूरत है. आगे बढ़ाने की कैसे जरूरत है? हम जानते हैं कि कोई भी स्पिनिंग सब्सटेंस है, कोई भी जो सब्सटेंस स्पिन कर रहा है, उसका क्या होगा? एक होगा एंगुलर मोमेंटम. एक क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम होगा ना. घूमती हुई चीज का क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है. और अगर वो चार्ज स्पीसीज है, ठीक है, अगर वो क्या है? चार्ज स्पीसीज है, तो उसका क्या होगा? एक मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा. एंगुलर मोमेंट, मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंटम. तो म्यू इज इक्वल टू गामा रो. म्यू इज व्हाट? मैग्नेटिक मोमेंट. रो इज एंगुलर मोमेंट, ठीक है. एंड रो इज एंगुलर मोमेंटम. एंड हियर गामा, ये हमने एनएमआर में भी पढ़ा है. एनएमआर में क्या पढ़ा है? गामा. गामा को हम बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो. व्हाट इज गायरो मैग्नेटिक रेशियो? अगर ये चीज दिया जाता है तो फ्रॉम हियर वी कैन से गामा इज इक्वल टू म्यू बाई रो. इसीलिए इसको रेशियो बोलते हैं. गामा इज इक्वल टू म्यू बाई रो. व्हाट इज गायरो मैग्नेटिक रेशियो? किसी भी चार्ज स्पिनिंग पार्टिकल का एक क्या होगा? गायरो मैग्नेटिक रेशियो होगा. क्यों? चार्ज स्पीसीज स्पिनिंग पार्टिकल का एक मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, एक एंगुलर मोमेंटम भी होगा. दोनों चीजें होंगी. दोनों का जो रेशियो होगा विल बी कॉल्ड व्हाट? गायरोमैग्नेटिक रेशियो. तो गामा इक्वल्स टू फ्रॉम हियर गायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक हो गया? कोई दिक्कत इसमें? अब जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज म्यू एस या म्यू कहें या म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसके इक्वल होगा? वो होगा जी बीटा इंटू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस प्लस वन. अंडर रूट ऑफ माइनस जी बीटा. जी इज वॉट? जी माइनस जी बीटा. यहां जी जो है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग फैक्टर. एंड बीटा इज व्हाट? बोर मैग्नेट्रॉन. बीटा इज व्हाट?
बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है, जी इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग फैक्टर, यही स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग फैक्टर जो है आगे जाके इसको हम कुछ और नाम देंगे क्योंकि ये कुछ चेंज होगा, कुछ इसमें चेंज आएंगे जिसको लैंडी स्प्लिटिंग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है जी, ठीक, लेकिन फिलहाल इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग फैक्टर नाम दे रहे हैं। और यहां जो बीटा है दिस इज बोर मैग्नेट्रॉन, बोर मैग्नेट्रॉन जो इसकी जो बोर मैग्नेट्रॉन की जो वैल्यू है वो है 9.27 × 10⁻²⁴ जूल टेस्ला इनवर्स, जूल टेस्ला इनवर्स, ये जो है बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू है अगर कहीं यूज करनी हो। और एस जो है, ये एस क्या है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एस क्या है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब इतनी बातें तो हमने समझ ली। और जो जी की वैल्यू होती है फॉर अ गिवन इलेक्ट्रॉन, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग फैक्टर या लैंडी स्प्लिटिंग फैक्टर जो भी है, इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 2 होती है फॉर इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिख दिए इट इज 2 फॉर द इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। अब हम मेन बात पे आएंगे, तो बेसिक सी बातें थी, बेसिक प्रिंसिपल में हमने शुरू किया मैग्नेटिक मोमेंट से, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ये सारी चीजें आगे हम यूज करेंगे, ठीक है। ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो है, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंटम का अदर स्पिन के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला है। अब हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ द स्पिन स्टेट्स अंडर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, नोट डाउन, एनर्जी ऑफ स्पिन स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ स्पिन स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी ऑफ स्पिन स्टेट्स अंडर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जी बीटा बी इंटू एम एस, हेयर बी इज वॉट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एम एस इज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एम एस क्या है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, स्पिन −1/2 + 1/2 जो ये है, एम एस इज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आपका जो जी है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्प्लिटिंग फैक्टर है, ये बोर मैग्नेट्रॉन है, बी इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो भी आपने लगा रखा है, दिस इज एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन या स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी, राइट। अब हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि जो आपका जो प्लस माइनस 1/2 है वो आपका डीएम रेट है, लेकिन जैसे ही आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया वो क्या हो गया, नॉन डीजनरेट हो गया, वो क्या हो गया, नॉन डीजनरेट, हमने कहा −1/2 and +1/2, इसको हमने कहा E1 स्टेट और इसको हमने कहा E2 स्टेट, ठीक, और इनके बीच में जो एनर्जी गैप होगा इट इज, इसको हमने कहा डेल्टा ई, ठीक है, ये हमने कहा डेल्टा ई है। इसी को यहां ध्यान दें, आपने एक पढ़ा होगा जीमान इफेक्ट, पढ़ा है, क्या होता है जीमान इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ड्यू टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट कर जाती हैं, वो क्यों स्प्लिट करती हैं, क्योंकि आपकी जो ये स्पिन स्टेट्स होती हैं ये भी स्प्लिट करती हैं, स्पिन स्टेट क्या करती हैं, स्प्लिट करती हैं, तो जो ये स्पिन स्टेट की एनर्जी की स्प्लिटिंग जो हो रही है इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, जीमान स्प्लिटिंग, दिस इज नोन एज, दिस पर्टिकुलर स्प्लिटिंग इज कॉल्ड जीमान स्प्लिटिंग, जीमान स्प्लिटिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब आपने कहा कि ये आपका इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन
की एनर्जी लेवल स्प्लिट कर गए जिसको आपने जी वन स्प्लिटिंग कहा। अब इसकी एनर्जी ईवन किसके इक्वल होगी, जी बीटा बी माइनस वन बाई टू, और इसकी एनर्जी कितनी होगी, जी बीटा बी प्लस वन बाई टू होगी। ये तो होगी इजिकल टू लिख दें आप, या यहाँ ना लिख के हम आगे आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं समझा रहा हूँ इसकी एनर्जी क्या होगी, जी बीटा बी माइनस वन बाई टू, एंड इसकी एनर्जी क्या होगी, जी बीटा बी प्लस वन बाई टू होगी। तो इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा ई, और डेल्टा ई कितना आएगा निकालेंगे आप, तो डेल्टा ई आएगा जी बीटा बी। आप करके देखिए, आप करके देखिए, ये बना लिया ना, आप करिए कि ई वन इक्वल्स टू इतना, ई टू इक्वल्स टू इतना, तो डेल्टा इक्वल्स टू ई टू माइनस ई वन, करके देखिए तो डेल्टा ई कितना आएगा, डेल्टा ई मीन्स गैप बिटवीन हायर एंड लोअर स्टेट विल बी इक्वल टू जी बीटा बी। अब हम बात करेंगे एक और चीज की जो आपके उसमें है भी, टॉपिक है हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। क्या है टॉपिक, अभी लिखना नहीं है, समझ लीजिए पहले हाइपर फाइन स्प्लिटिंग क्या है। हाइपर फाइन स्प्लिटिंग ये है कि अब ये इलेक्ट्रॉन था, ये क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला होता है, अनपेयर्ड था। अब इसके साथ में जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल में कोई ऐसा न्यूक्लियस ना हो जो खुद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला हो। मान लो इस मॉलिक्यूल में कोई प्रोटॉन है, प्रोटॉन खुद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला है नहीं है, प्रोटॉन की अपनी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, होती है नहीं होती है। अब इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक एनर्जी गैप कपल कर सकता है किससे, प्रोटॉन के, यानी कि एक ये इलेक्ट्रॉन की स्टेट ये थी, इसके साथ में प्रोटॉन की भी दो स्टेट हो सकती है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। अगर ये थी तो इसके साथ में भी दो स्टेट्स हो सकती है क्या, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो इसके साथ में हम दो स्टेट्स प्रोटॉन की, अगर एक ही प्रोटॉन हो और इसके साथ में भी दो स्टेट्स क्या ले सकते हैं, प्रोटॉन की, तो ये माइनस हाफ है और यहाँ माइनस हाफ एंड प्लस हाफ प्रोटॉन की स्टेट्स को हमने कंसिडर किया, ठीक, और यहाँ भी माइनस हाफ एंड प्लस हाफ प्रोटॉन की स्टेट्स को हमने क्या किया, कंसीडर किया। तो अब यहाँ देखिएगा आपका जो है जो ट्रांजिशन होंगे वो क्या होंगे, या ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो अब ये फर्दर जो है, जो एक ही लाइन थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, दो में। मतलब क्या है कि ये वाला जो है इसका इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है माइनस हाफ से इसके ये प्लस हाफ में, ये माइनस हाफ से प्लस हाफ में यहाँ जा सकता है या यहाँ से यहाँ ट्रांजिट कर सकता है। यहाँ सिलेक्शन ये है कि अपोजिट होने चाहिए, यहाँ ध्यान दें क्या, ये माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए, ये प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए। सेम सेम में ट्रांजिशन नहीं करेंगे क्योंकि चेंज होगा ना, क्या होगा, चेंज होगा। देखो समझो आप कि इसको हम इसमें ले जाए तो स्पिन में कोई चेंज हुआ, माइनस से माइनस नहीं हुआ ना, इसको हम इसमें ले जाए तो कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, तो वो फॉरबिडन रहेंगे, उनको हम नहीं करेंगे। तो अब आपकी जो एक लाइन थी वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, दो में। तो दिस टाइप कपलिंग ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद स्पिन ऑफ एनी अदर स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई लाइक प्रोटॉन, जनरली होता इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही है, लेकिन कोई भी और स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई यहाँ ले सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, कपलिंग ऑफ स्पिन स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द स्पिन स्टेट्स ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस, स्पिन्स ऑफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस इज नोन एज हाइपर फाइन स्प्लिटिंग। ऐसे ही आप लोग समझ गए बेसिक प्रिंसिपल। डेल्टा ई क्या है, डेल्टा ई निकाल लिया था आप लोगों ने, डेल्टा ई इक्वल टू ई टू माइनस ई वन क्या आया था, मैं करके दिखा दूं, कर लिया ई टू आपका, लिख देता हूँ यार, लिख दूं पक्का, कर लिया, चलो डेल्टा ई इक्वल टू
ई टू माइनस ई वन, ई टू इज जी बीटा बी माइनस वन बाई टू, ठीक ना, प्लस वन बाई टू, और ई वन इज जी बीटा बी माइनस वन बाई टू, इट विल बी डेल्टा इक्वल टू जी बीटा बी, राइट। तो डेल्टा ई निकाल लिया। ऐसे ही इसकी जब कपलिंग हो जाती है किससे, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई की स्पिन स्टेट्स के साथ, दैट गिव फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ दीज लाइंस विच इज कॉल्ड हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। कठिन तो नहीं लग रही सर, पक्का समझ, कठिन तो नहीं लग रही है सर, पक्का, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि इतना जरूर याद रखना है कि इसका अच्छा मटेरियल बुक्स में नहीं है, बुक में बड़ा गंदे तरीके से, कई बुक्स ऐसी हैं जो इजीली अवेलेबल हैं आप लोगों के पास, उनमें बहुत ख़राब तरीके से लिखा है, शायद आपने पढ़ा है, पढ़ा, तो इतना ईजी वे में, इतना सिंपल वे में दिया नहीं है भाई। सिंपल सिंपल जो आसानी से अवेलेबल बुक्स हैं उनमें बहुत अच्छे से जस्टिफाइड तरीके में नहीं है, आपको चीज़ें कन्फ्यूजिंग लगेंगी थोड़ी, ठीक है, तो घबराना नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है, समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट टॉपिक आप लिखिए, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग क्या है, ये सब क्या है, समझ गए। नाउ कमिंग ऑन टू द जीरो फील्ड स्प्लिटिंग, लिखिएगा जीरो फील्ड स्प्लिटिंग एंड क्रैमर्स स्प्लिटिंग। जब जीरो फील्ड स्प्लिटिंग क्या है, जब आपके मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी वो पैरामैग्नेटिक होगा। जनरली ये सब होता है किसमें, कॉम्प्लेक्सेस में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में थोड़ा ऐसा कम होगा कि एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, लेकिन कहाँ होगा, ट्रिपलेट स्टेट्स में होगा, किसमें होगा, ट्रिपलेट स्टेट्स में। तो जब भी एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वहाँ पर कॉन्सेप्ट आएगा जीरो फील्ड स्प्लिटिंग एंड क्रैमर्स स्प्लिटिंग का। तो जीरो फील्ड स्प्लिटिंग एंड क्रैमर्स स्प्लिटिंग इज ओनली ऑब्जर्व्ड व्हेन देयर आर मोर देन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। किसी भी पैरामैग्नेटिक स्पीसीज में एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपका जीरो फील्ड स्प्लिटिंग होगी। अब जीरो फील्ड स्प्लिटिंग होती क्या है, अब यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं बेटा। पहली बात की बात देख ली कि ये कब होगा, कब होगा जीरो फील्ड स्प्लिटिंग, जब एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें पहली बात क्या है कि इलेक्ट्रॉन का एक से अगर ज़्यादा होंगे तो एक से ज़्यादा वो इवन भी हो सकते हैं, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, वो ऑड भी हो सकते हैं, राइट। एक से ज़्यादा दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा तीन हो सकते हैं, और चार हो सकते हैं, और पांच हो सकते हैं। तो दो होंगे और चार होंगे तो क्या माना जाएगा, इवन, तीन और पांच होंगे तो क्या माना जाएगा, और दोनों कंडीशन में दो अलग अलग चीजें होंगी। अगर इवन होंगे तो होगी जीरो फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है, इवन होंगे तो क्या होगी, जीरो फील्ड स्प्लिटिंग, और अगर ऑड होंगे तो क्या होगी, क्रैमर्स स्प्लिटिंग। एंड क्रैमर्स स्प्लिटिंग को ज़्यादातर जो बुक्स में जाना जाता है या लिखा जाता है वो कहा जाता है क्रैमर्स डीजेनरेसी। इसको एक चीज़ और लिख लीजिए, क्रैमर्स स्प्लिटिंग इज ऑल्सो मोस्टली टर्म्ड एज क्रैमर्स डीजेनरेसी। यहाँ दो उल्टी चीज़ें हैं, इसको तो हम कह रहे हैं स्प्लिटिंग और इसको हम कह रहे हैं डीजेनरेसी, क्रैमर्स डीजेनरेसी एंड दिस इज जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। अब हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, क्या एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, दो का, दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, तो एक सिचुएशन इसकी ये हो सकती है, एक सिचुएशन इसकी ये हो सकती है, एक सिचुएशन इसकी ये हो सकती है। यहाँ पे टोटल स्पिन क्या होगी, प्लस वन,
यहाँ पे टोटल स्पिन क्या होगी, जीरो, और यहाँ पे टोटल स्पिन क्या होगी, माइनस वन होगी। मैं इसको मिटा देता हूँ और वाले केस को भी। तो ये हमारी जो तीन पॉसिबिलिटीज होंगी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इवन के केस में, समझने की बात ये है कि ये क्या तीनों डीजनरेट होंगी, डीजनरेट मतलब तीनों स्पिन स्टेट्स क्या सेम एनर्जी की होंगी या डिफरेंट एनर्जी की होंगी। मान लीजिए मॉलिक्यूल के दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले थे, या दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट स्पिन वाले थे। अपोजिट स्पिन में इसको आप पेयर मत समझना, पेयर्ड नहीं है, ये अलग बैठा है, ये अलग बैठा है, ठीक है, अलग अलग हैं लेकिन अपोजिट स्पिन है, तो टोटल स्पिन तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अगर दोनों अलग अलग हैं और टोटल स्पिन क्या हो जाएगी, वन, तो होगा क्या, क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो इस मॉलिक्यूल का अपना खुद का कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी तो होगा, क्योंकि ये क्या है, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दिस मॉलिक्यूल हैव सम इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, हैव व्हाट सम, बिकॉज मॉलिक्यूल हैव इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट्स पैरामैग्नेटिक नेचर, ड्यू टू इट्स व्हाट, पैरामैग्नेटिक नेचर। अब कोई भी स्पिन स्टेट्स हैं उनको डीजनरेट वो तब होते हैं जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ना हो, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो डीजनरेट नहीं होंगे, यानी कि उनकी स्पिन स्टेट्स की एनर्जी अलग अलग हो जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं, आपने बाहर से कोई भी फील्ड नहीं लगाया है, बाहर से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो, लेकिन इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये तीनों स्पिन स्टेट्स डीजनरेट नहीं होंगी, दीज स्पिन स्टेट विल बी नॉन डीजनरेट एंड विल बी स्प्लिटेड। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड व्हाट, जीरो फील्ड स्प्लिटिंग, मींस स्प्लिटिंग विदाउट एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, इसको हम ये कर लिया तो मिटा दूं, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, देखिए आपकी स्पिन स्टेट्स क्या थी, प्लस माइनस वन एंड जीरो, प्लस माइनस वन एंड जीरो, तीन स्पिन स्टेट थी ना, एक प्लस वन एक माइनस वन, ये डीजनरेट नहीं हुई, ये क्या हो गई, नॉन डीजनरेट, और स्प्लिट कर रहे हैं तीन में क्या, माइनस वन जीरो प्लस वन, माइनस वन जीरो प्लस वन। तो दिस नॉन डीजनरेसी ऑफ स्पिन, दीज स्पिन स्टेट ड्यू टू इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज जीरो फील्ड। क्या आप समझ गए, इसकी डेफिनेशन लिख लें, ठीक है, दिस इज व्हाट, ड्यू टू स्प्लिटिंग बाय इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। आई होप मैं समझा पाया आप लोगों को, समझ गए जीरो फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जीरो फील्ड स्प्लिटिंग में कोई दिक्कत नहीं है ना, आपने इतना ही करना है, बस ये समझाना है कि आपके पास जो स्पिन स्टेट्स होंगी वो ये होंगी, और क्योंकि मॉलिक्यूल आपका पैरामैग्नेटिक है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह जीरो होगा नहीं, ऑल्दो आपने बाहर से एक्सटर्नल कोई भी नहीं लगाया वो जीरो है, लेकिन इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये स्पिन स्टेट्स स्प्लिटेड रहेंगी, ये डीजनरेट नहीं होंगी, दे बिकम नॉन डीजनरेट, राइट, कोई दिक्कत। नाउ कमिंग ऑन टू द क्रेमर्स डीजनरेसी, नेक्स्ट आपका जो बात है क्रेमर्स डीजनरेसी में हम बात करेंगे ऑड, दूसरे केस रह गया ना, ऑड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब होंगे, मान लेते हैं ऑर्डर पहला आपका शुरू होगा तीन से, और पहला कहाँ से शुरू होगा तीन से, तो अब इसके केसेस मान के चलते हैं, देखिए एक दो तीन, ठीक, एक दो तीन, एक दो तीन और एक दो तीन, ये चार ही तो पॉसिबिलिटीज होंगी, और क्या हो सकती हैं, ठीक है। टोटल हमारा इसका आई कितना आएगा, टोटल आई कह रहा हूँ सॉरी, इसका जो टोटल स्पिन आएगी वो क्या आएगी, 3/2 प्लस, है ना, इसकी कितनी आएगी प्लस 1/2, इसकी कितनी आएगी माइनस 1/2, इसकी कितनी आएगी माइनस 3/2। दीज फोर स्टेट्स आर देयर, दीज फोर स्टेट्स आर देयर ना, राइट। तो ये चार स्टेट्स जो होंगी इनको हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो चारों स्टेट थी और केस में वो थी प्लस माइनस 3/2 एंड प्लस माइनस 1/2, ठीक है। ये अब इसमें भी क्या होगा, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, इसमें भी क्या होगा इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, और उस इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो होंगी ये दो में ही बटेंगे, दो डबली डीजनरेट रहेंगे, और इनमें जो एनर्जी गैप होगा वो भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, सॉरी ये मैं बनाता हूँ, सॉरी ये प्लस माइनस 3/2 प्लस माइनस 1/2, मीन्स इन केस ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन्स द स्प्लिटिंग ऑफ स्पिन स्टेट्स आर डबली डीजनरेट, मतलब दो एक जैसी स्प्लिटिंग विल बी डबली डीजनरेटेड, जैसे उसमें हर कोई अलग अलग हो गया था ना, इसमें हर कोई अलग अलग नहीं होगा, प्लस माइनस 3 वाला एक स्पिन स्टेट डबली डीजनरेट होगा, यानी कि यहाँ दो सेट्स होंगे, और प्लस माइनस 1/2 का डबली डीजनरेट होगा, यानी कि विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड अपने फील्ड की वजह से ये कैसे रहेंगे, डबली डीजनरेट। दिस डबली डीजनरेट स्टेट ड्यू टू इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज क्रैमर्स क्रैमर्स डीजनरेसी। अब यहाँ डीजनरेसी हमने क्यों कहा आप समझ गए होंगे, या क्रैमर्स स्प्लिटिंग भी कहते हैं, स्प्लिटिंग इसलिए कहते हैं कि स्प्लिटिंग थोड़ी तो होती है, डीजनरेसी इसलिए कहते हैं कि दो एक साथ रहते हैं, प्लस माइनस 3/2 प्लस माइनस 1/2, ये दोनों डीजनरेट ही रहेंगे, ये दोनों स्प्लिट नहीं होंगे इन केस ऑफ व्हाट, ऑड नंबर, लेकिन इवन नंबर में सब डीजनरेट स्प्लिट होते हैं। तो दिस इज क्रैमर्स डीजनरेसी एंड व्हाट, जीरो फील्ड स्प्लिटिंग, राइट। आई होप हमने काफ़ी सारा कवर कर लिया, आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बताना, ठीक है।